हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक एफएमसीजी के एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि वो बेहतरीन शेयर है जिसने पिछले काफ़ी टाइम से, अब जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से बहुत बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। 3 बार बोनस और मल्टीपल टाइम्स डिविडेंड, हर साल 2 बार डिविडेंड एटलीस्ट देती है, एक बार स्प्लिट भी हुआ है। और शेयर में के प्रो उस कंपनी के प्रोडक्ट आप सभी ने यूज़ भी किए होंगे और आपके घर में होंगे भी। तो आइए उस शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं। बट इससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो मिलती रहे। और आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपसे सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मिलती रहे मिल जाए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आपको पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स की दिखा देता हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ, लिवॉन हर एक गर्ल्स ने मोस्टली यूज़ ही किया होगा। ऑयल जो ये होता है ट्रू रूट्स, ओके, हेयर टॉनिक है। सफोला, सफोला तो आपने यूज़ किया होगा, खाने रिफाइंड ऑयल आता है तो आपने सफोला ज़रूर यूज़ किया होगा। पैराशूट, काया, ओके, ब्यूटी प्रोडक्ट्स देता है, मेडिको, सेटवेट, लड़कों ने सेटवेट भी यूज़ किया होगा, वेजी क्लीन, सेटवेट, पैराशूट ऑयल, सफोला, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। तो आपने डेफिनेटली इसके प्रोडक्ट आपने यूज़ किए होंगे। निहार आंवला एक ऑयल आता है जो बालों में लगाने के काम आता है, तो इस ये प्रोडक्ट आपने यूज़ किए होंगे। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और जिससे रिलेटेड मैं आपको बात कर रहा था। स्प्लिट देखिए, एक बार स्प्लिट हुआ है ये शेयर। बोनस की बात की जाए तो 2015-14 और 2002 में 1:1 का इसने बोनस भी दिया है। डिविडेंड की बात की जाए तो देखिए 75% डिविडेंड, 325% का डिविडेंड, तो एवरी ईयर देखिए दो दो बार तो एटलीस्ट दे ही रहा है ये डिविडेंड, तो काफ़ी अच्छा ये शेयर है। इसके अलावा हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो 59.62 प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, 23.72 फॉरेन इन्वेस्टर एज वेल एज म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी हिस्सेदारी अपनी कम करी है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी 2.47 से 47 पे स्टैंड कर रहे हैं, थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कम करी है और नॉन इंस्टीट्यूशन ने लगभग 6.68% की हिस्सेदारी यहाँ पर रखते हैं। रिटर्न्स की भी अब बात की जाए तो हम लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। ऑलरेडी मैं आपको हमेशा बोलता भी हूँ कि किसी कंपनी में आप पैसा लगाते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। वॉरेन बफेट साहब भी हमेशा यही कहते हैं कि उनका जो इन्वेस्टिंग टाइम होता है फॉर एवर होता है, ओके, एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो उन्हें कब नहीं पता कि वो कब एग्जिट करेंगे। लगा दिया पैसा तो लगा दिया और भूल गए हमेशा के लिए। तो 1 डे का परफॉर्मेंस पॉजिटिव, 1 वीक का पॉजिटिव, ओके, 6 मंथ में लगभग 40% के रिटर्न दिए है और 10 ईयर्स में देखिए लगभग 475.04% के रिटर्न। तो इसलिए कहता हूँ लंबे समय के खिलाड़ी बनोगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट होने वाला है। कंपनी के नाम पे आ जाते हैं तो कंपनी का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैरिको कंपनी का नाम आपने डेफिनेटली सब ने सुना ही होगा। 1 डे का परफॉर्मेंस देख लीजिए पॉजिटिव, 5 डे का परफॉर्मेंस देख लीजिए, ईयर टिल डेट की देख लेते हैं पेंडेमिक से पहले, लगभग 344 इसी प्राइस के इर्द गिर्द ये शेयर चल रहा था जो कि पूरा रिकवर हो चुका है। अच्छे शेयर की पहचान यही होती है कि जितना गिरते हैं उतनी तेज रिकवर भी होते हैं, भागते भी। और FMCG सेक्टर से रिलेटेड शेयर है तो ऑब्वियसली बात है इसको ओवरकम, ये पेंडेमिक में जितना गिरा था उतना होना इसको जरूरी था, भागना जरूरी था और जो भागा भी है। तो 240 पे ये शेयर आपको लगभग मिल रहा था 23 मार्च को जब पेंडेमिक हुआ था, जब सारा मार्केट क्रैश हो गया था, और अभी आप देखेंगे तो लगभग 360 पे ये स्टैंड कर रहा है। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, 2001 में लगभग 2.181 रुपीज़ का ये शेयर था, ओके, और मैक्सिमम आप देखेंगे तो क्या 360 पे अभी स्टैंड कर रहा है। बट चार्ट पैटर्न देखिए, क्या बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। गिरावट तो ऑब्वियस ही बात है, अच्छे अच्छे शेयर में होती है, रिलायंस में होती है, TCS में होती है, इन्फोसिस में होती है, सारे बड़े बड़े शेयरों में आपको गिरावट दिखेगी। ऐसा कोई शेयर नहीं है जो गिरावट में नहीं गिरे, जो गिरेगा ही नहीं। बट आपको बताना चाहता हूँ जो गिरे और गिर के उठ जाए, ओके, उसी को शेयर कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गिरा है फिर भागा है, फिर यहाँ पर से भाग के फिर गिरा है, फिर भागा है, फिर गिरा है, फिर भागा है। तो देखिए चार्ट पैटर्न कितना वॉलेटाइल तो है, बट हमेशा ऊपर की तरफ वॉलेटाइल है, गिरता है बट उठता भी उतनी तेजी से। देखिए क्या ऊपर से क्या जंप मारी है इसने, इतना नीचे गिरा और फिर देखिए उठ गया, फिर अगर गिरेगा फिर उठेगा और गिरे कोई बुरी बात नहीं है, बट गिर के कितना उठता है वो भी देखिए ना। यहाँ पर था, गिरा,
यहाँ भाग गया, वो जहाँ पर पहले स्टार्ट जहाँ से गिरा था उससे ऊपर ही भागा है। तो हमेशा इस तरीके से ही ये शेयर भागते हैं और ये अच्छे शेयर की पहचान होती है। तो ऐसे शेयर में हमेशा इन्वेस्ट करके रखो, लंबे टाइम के लिए रहो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में, 5 ईयर्स, 10 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स आप रखते रखते हो, भूल जाते हो, आपको डिविडेंड, ओके, बोनस, स्प्लिट, सब कुछ देगा और प्लस में शेयर का प्राइस हमेशा बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा। काफ़ी अच्छा शेयर है। तो आइए एक बार आज के परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। डिविडेंड की बात की जाए तो देखिए दो दो बार डिविडेंड दे रहा है और डिविडेंड भी हमेशा इंक्रीजिंग मैनर में, 2 रुपीज़ का 2.80 में, फिर 2.75, दो दो बार दिया है, फिर 3.25, ओके, इंक्रीजिंग मैनर में है। और कोई भी शेयर जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी कि कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। तो इन यहाँ देख लेते हैं, 52 वीक लो मार्च में था, 23 मार्च को 2020 में 234 रुपीज़ का, और 52 वीक हाई देखे तो 400 रुपीज़ का इनका 52 वीक हाई भी है, जो कि 2019 में 22 अक्टूबर को था। लगभग 17% की डिलीवरीज आज की डेट में उठाई गई है, जो कि कम लग रही है बट अच्छी है। तो ये सारा इसका बात है। और प्लस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, बेचती है, सब यूज़ करते हैं, और पैराशूट पैराशूट और सफोला, ओके, सफोला आई थिंक कुछ न्यूज़ भी बीच में आई थी कि सफोला को एक कंपनी कैप्चर करने की सोच रही थी, बट इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम सफोला को नहीं देंगे, अपने ब्रांड को नहीं देंगे। तो ये भी एक कंपनी को, क्योंकि सफोला आपको पता ही है हर घर में मोस्टली यूज़ होता ही है, और काफ़ी अच्छा इनका ऑयल भी रहता है। ये बोनस वगैरह मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कितनी बार दिया। एक बार बैलेंस शीट की तरफ चल लेते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट देख लेते हैं, रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। तो रिजर्व्स देखिए किस तरीके से बेहतरीन बढ़ते जा रहे हैं। पहले 2468.60 करोड़ के थे, फिर 2795, फिर 2912, फिर 3360, और अभी लगभग 3350 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स इनके पास है। तो बहुत अच्छे रिजर्व्स है। डेट की बात की जाए तो डेट भी है कंपनी के पास, लगभग 110 करोड़ रुपए का डेट है, ओके, बट कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि डेट लेना कोई बुरी बात नहीं होती। बट डेट को किस काम में यूज़ कर रहे हैं, क्या उनका बिजनेस बढ़ रहा है, इस चीज़ को देखते हुए अगर डेट लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं। बिजनेस डेफिनेटली अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लोग यूज़ भी करते हैं, तो डेट तो जब भी चाहेगी कंपनी थोड़े बहुत टाइम में ये घटा भी देगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर ले तो 80 करोड़ रुपए जो घटते हुए जरूर दिख रहे हैं, बट 80 करोड़ रुपीज़ के इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस भी है, जो कि काफ़ी अच्छी बैंक बैलेंस भी है। तो बैलेंस शीट भी अच्छी है। चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो चार्ट पैटर्न देख लीजिए, क्या चार्ट पैटर्न है, ऊपर की तरफ जाते हुए, और बहुत पुरानी कंपनी है, 2001 में ये लिस्ट भी हुई थी। तो मेरे हिसाब से तो ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार आप बात करेंगे तो वो भी आपको रिकमेंड करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है। एज वेल एज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, एक तो पहली बात तो काफ़ी महंगा शेयर नहीं है। जैसे HUL ब्रिटानिया के शेयर 2000-3000 रुपये के है, तो ये शेयर केवल 360 में आपको मिल रहा है। बट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रखिए, इसे देखते रहिए, आपको जब मिले एक शेयर दो शेयर आपको मौका मिले तो आप उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छा बेहतरीन शेयर है, और लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, 15 से 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा ये प्रॉफिट भी देता नज़र आएगा। अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट की बात भी को बता देता हूँ तो लगभग 13,000-14,000% के 14% के 1400% के रिटर्न इसने, 14,000 सॉरी% के रिटर्न इसने दिए, तो क्या बेहतरीन रिजल्ट है। और बोनस भी दिया है, अगर बोनस की भी अगर इंक्लूड कर ले तो आपको पता चलेगी ये रिटर्न इससे भी ज़्यादा रिटर्न है, तो आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा शेयर है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एज वेल एज आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके सामने मैं पेश करता रहूं। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।